नाइन। सिर्फ 9 बच्चों को ही पढ़ाना होगा मुझे, है ना? बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं है शायद पढ़ने में, बताने के लिए। ओके, गुड आफ्टरनून बेटा। हम टोपी लेसन कर रहे थे संचयन का। संचयन का टोपी पाठ कर रहे थे, रीडिंग कर रहे थे। बट आई वॉन्ट टू गिव यू द होमवर्क, गृह कार्य, गृह कार्य जिसे हम कहते हैं। आज आप शहद का एक विज्ञापन बनाएंगे, शहद पर एक विज्ञापन बनाएंगे, ठीक है? ताकि आप विज्ञापनों में एक बार माहिर हो जाएं। आज का होमवर्क होगा बेटा शहद पर एक विज्ञापन। ओके, तो मैं संचयन का टोपी लेसन पढ़ने वाली हूँ। जितनी भी रीडिंग रहती है शहद के विज्ञापन के लिए क्या क्या चीजें याद में रखेंगे, वही ऊपर एक शहद के विज्ञापन को नाम देना होगा आपको। फिर उसके बाद उसकी हाईलाइट बिल्कुल शुद्ध है ना, प्राकृतिक शहद, और साथ में और उसकी क्वालिटीज बतानी होगी। नीचे फिर संपर्क, ओके, या वेबसाइट देनी होगी। हम डेट भी दे सकते हैं, जैसे आज 27 है तो आज विज्ञापन दे रहे हैं 28/1 से हर दुकान पर उपलब्ध, आसानी से खुलने वाला नए तरीके का ढक्कन, बड़ा पैक मंगवाएं अधिक छूट पाएं, सेहत के लिए फायदेमंद, 15 दिन तक भारी छूट मिलेगी, ठीक है, सबसे अच्छा सबसे सस्ता, इस तरह के पंच देके हम उसे अच्छा बना सकते हैं। ओके, तो कमिंग टू टोपी, टोपी पार्ट खोलिए। हम कहाँ थे, हमने क्या किया था, एक बार दोबारा आपको बताना चाहूंगी थोड़ा सा। हमने अभी तक क्या किया था कि दो दोस्तों की बात है इसमें, टोपी और इफन, ठीक है? टोपी उसे इफन कहे, इफान कहे, मतलब एक ही मतलब है, वो समझ जाता है कि मुझे मिलाया। इफन में नीचे नुक्ता आया, इफान में नीचे नुक्ता नहीं आया। आपको पता है हमारे टोपी की बोली पूर्वी बोली है ना, तो वो इफन नहीं बोलता, वो इफन बोलता है, ठीक है? तो इफन भी इफन समझता है। अब हमने आगे किया कि इफन के बारे में थोड़ा सा जान लें कि इफन कौन है। टोपी के बारे में जानने से पहले हमें राइटर ने कहा इफन के बारे में जान लें कि इफन क्या है। तो बेटा इफन जो है ये मुसलमानी लड़का है, इसके पिताजी मौलवी हैं, इसके दादाजी सॉरी मौलवी हैं और इसकी दादी मौलविन है, ठीक है? इसकी दादी नखलऊ की रहने वाली है, इसलिए वो घी दूध यानी हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के परिवारों के साथ रहने के कारण वो हर चीज को मानती है, ढोल बजाना, धमाका करना। लेकिन मुसलमान मौलवियों के घर में ढोलक बजाना अलाउड नहीं है, इसलिए वो बेचारी मन महसूस कर रह जाती है हमेशा, ठीक है? 9 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, लेकिन बच्चे उसने जो उर्दू की बोली है उसे ससुराली ही रहने दिया। वो हमेशा हमेशा पूर्वी बोली बोलती रही जो उसके मायके की बोली थी। जैसा मैंने आपको बताया था कि बचपन में जो सीखा जाता है उसको भुलाना आसान नहीं होता, ठीक है? तो उसकी बोली हमेशा वही रही। फिर एक बार उसने बताया है कि वो इफन के जन्म पे ना गाना बजाना करना चाहती थी, तो उसने गाना बजाना किया भी, क्योंकि तब तक उसके दादा एक्सपायर हो चुके थे, तो उसने किया। किसी के आने पे, किसी के जाने पे शुभ काम के सदका करना, पानी वारना, दही दही चीनी खिलाना, ऐसे सभी कार्य उसकी दादी किया करती थी, ठीक है? तो इसके बाद वी वर ऑन पेज आई थिंक 34, दक्षिता एम आई राइट? वी वर ऑन पेज 34। मैं एक बार 34 से शुरू से पढ़ रही हूँ ताकि रिकॉल हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, इफन की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु नखलऊ आकर वह इस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ चपड़ जी भर कर खा लेती,
नखलऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका बस मौलवी ही बने रहते हैं। अंडरलाइन फर्स्ट थ्री लाइन्स ऑफ दिस पैराग्राफ, फर्स्ट थ्री लाइन्स ऑफ द सेम पैराग्राफ। पहली तीन पंक्तियां पैराग्राफ की, कल बेटा मैंने लघु कथा का लघु कथा का नहीं विज्ञापन का ही टेस्ट ले रही हूं मैं, कल इन किए हुए विज्ञापनों का ही टेस्ट होगा कल। निष्ठा डाल देना है, इज देयर निष्ठा इज प्रेजेंट? यस मैम। हाँ बेटा ग्रुप में डाल देना टेस्ट ऑन फ्राइडे विज्ञापन। ओके मैम। चलिए तो हम बात कर रहे थे कि इफन की दादी कैसे मौलविन थी और लेकिन अपने वहां नखलऊ में दूध गई दही घी खाती आई थी तो वो उसके बस अच्छा लगता था कि मायके आते ही वो खाए। ससुराल में उसकी आत्मा सदा बेचैन रही, यानी मतलब बेसिकली वो ससुराल को अपना नहीं पाई। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश कर्बला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई बोली, हे बेटा जौन तू हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमारे घर भेज दियो। कहती है अगर तुमसे मेरी लाश भी संभाली नहीं जाती तो मेरे घर नखलऊ भेज देना, कर्बला वर्बला भेजने की जरूरत नहीं है। मौत सिर पर थी इसलिए उन्हें ये याद नहीं रह गया था कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है, ये कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। यानी मरते हुए क्या होता है कैसा महसूस होता है, वी कांट टेल, क्योंकि हम अभी मरे नहीं है। लेखक भी यही कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो ये लगता है, लेखक को ये लगता है कि मरना बहुत खूबसूरत होगा। तो बता सकते हैं, एक्सप्लेन दिस, मरना खूबसूरत कैसे हो सकता है? लेखक के अनुसार मरना बहुत खूबसूरत है। एनीवन हु कैन टेल मी, इमेजिन करके कि मरना खूबसूरत होगा, कोई आप में से इमेजिन कर पाए कि मरना खूबसूरत होगा? एनीवन? नो वन। मैम अगर हम अच्छे काम करेंगे तो मरना खूबसूरत होगा? ना, अच्छे काम नहीं, मरना खूबसूरत होगा। और मैम सारे जैसे फीलिंग से हमें छुटकारा मिल जाएगा, सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए मरना खूबसूरत होगा। आगे का तो पता ही कुछ नहीं, छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, हो सकता है आगे और फंस जाए हम, तो कैसे कैसे। मैम व्यक्ति ने अपनी संसारिक यात्रा खत्म कर ली होती है। सांसारिक यात्रा खत्म कर ली होती है, बिल्कुल सही। थोड़ा सा कोरिलेट कर पाएंगे मनुष्यता कविता के साथ, मरना खूबसूरत होगा। किसी के सुमृत्यु हो, ऐसे सुमृत्यु हो, और आगे, और अपंक हो चढ़ो सभी, है ना, अच्छे कर्म करें, और परमात्मा की गोद में जाके बैठे, और मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, एक दूसरे का सहारा बने। मरना खूबसूरत होगा, मरना थोड़ा सा रिलेट कर पाओ अगर। अरे परम पिता परमात्मा हमारा पिता है, हम भाई भाई हैं, और अपने पिता के पास जाना किसे बुरा लगता है ना। यहाँ हम ऐसे बंधनों में जकड़े हुए हैं जो परमात्मा के दिए हुए हैं, पर हैं बंधन, बेड़ियां, कहीं से बेटा खींच रहा है, कहीं से बेटी खींच रही है, कहीं से माँ खींच रही है, कहीं से पिता खींच रहे हैं, है ना। और अपने घर वापस जाना, यानी कहते दुनिया एक सराय है, एक विश्राम स्थल है, आप यहाँ केवल यात्रा करने आए हैं, तो अपने घर जाना किसे अच्छा नहीं लगता। इमेजिन यू आर वेरी एक्साइटेड, यू वॉन्ट टू अटेंड वन मैरिज फंक्शन, वेरी वेरी एक्साइटेड टू अटेंड द फंक्शन। हाँ बहुत कुछ तैयारियां की आपने, खूब मेकअप वगैरह की तैयारी की, ड्रेसेस वगैरह की तैयारी की, और सोचा डांस करेंगे मिलके, ये करेंगे मिलके, वो करेंगे, प्लानिंग फॉर वट एवर यू कैन डू। रात के बज गए 12:01, अब क्या होगा, आए उनको मंजा दे देवे तो सो जाइए, वो भी उत्थे नहीं अपने घर जाके। कंफर्ट जोन ढूंढता है इंसान,
है ना, मेरे अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज जीवन। जिंदा रहते हुए हम खूब एंजॉय करते हैं, वी एंजॉयड अ लॉट, वी कलेक्ट मैनी थिंग्स, सो मैनी थिंग्स टू एनहांस आर ब्यूटी, टू एनहांस आर ड्रेसिंग सेंस, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन अंत में हमें अपने घर जाना है। वी कैन कोरिलेट विद दिस। इसलिए लेखक ने कहा मृत्यु तो सुखद ही होगी ना, मृत्यु कभी डरावनी नहीं हो सकती। हम सांसारिक मोह माया में लिप्त होते हैं इसलिए हमें मृत्यु डरावनी लगती है, अदरवाइज अपने घर जाना किसे बुरा लगता है। लाख दिन आप मामी चाची मासी किसी के घर रहे हो, अपने घर आकर एक चैन मिलती है, अपने रूम में एक चैन मिलता है, वही सुकून शायद परमात्मा के पास जाकर हमें मिलेगा। ओके, तो ये हमारी केवल कल्पना है, इट कैन बी टोटली ब्लंडर, पता नहीं वहां क्या है, किसी ने क्या देखा है परमात्मा के घर में क्या है, लेकिन हमारे महापुरुष ऐसा कहते हैं। तभी हमें बेटा दिन रात याद करवाया जाता है कि प्रभु का नाम स्मरण करो, ताकि मरते हुए भी हम केवल प्रभु का नाम लें, इन सांसारिक बंधनों में ना फंसे रह जाएं। ओके, आगे देखिए उसने कहा कच्ची इसलिए, इफन की दादी को अपना घर याद आया, उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का एक बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें याद आई। मैं इन चीजों को छोड़कर बड़ा करबरा या नजफ कैसे जा सकती थी। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों पे ही थी। मुर्तजा हुसैन इफन के फादर का नाम है। बच्चे इफन स्कूल गया हुआ था, नौकर ने आकर खबर दी बीबी का देहांत हो गया। इफन की दादी बीबी कही जाती थी। इफन अब तक चौथे में पढ़ता था और टोपी उससे उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफन को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नजहत से भी था, परंतु दादी से मैं जरा ज्यादा ही प्यार किया करता था। अम्मी को कभी कभार डांट मार लिया करती थी, बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुना देते थे। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, बारह बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। सोता है संसार, जगता है पाक परवर दिगार। आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। ये उसकी कहानी की टाइटल लाइन होती, फर्स्ट लाइन होती बेटा। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। और जब तक दादी से उनकी इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। अमोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोलने लग गयो, तू अपने अब्बा की ही बोली बोलो। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तो बादशाह का किस की तरते एक ठो हिरन मार ले आवा। यानी ये उसकी भाषा थी कि एक बादशाह एक बार एक ठो मीन्स एक हिरन मार कर लाया। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इफन की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई देती थी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी। जाने कैसी भाषा बोलती थी, इफन के अब्बू और उनकी भाषा एक थी। वह जब इफन के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इफन की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही ना करता था। वह दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। तय काहे को जाते उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट आम का रस तिलवा बन जाता और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। तोरी अम्मी का कर रही, दादी हमेशा यही बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि ये अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं। ये शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। सॉरी, वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह
चुभलाता रहा, अम्मा अब्बू बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया, डॉक्टर भृगुन नारायण शुक्ला तेल नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो थालियां ही थी परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी, टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी, मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, ये शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी, परंपराओं की दीवार डोलने लगी, ये लफ्ज तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। सुभद्रा देवी टोपी की दादी का नाम है बेटा। तो उसने सवाल किया कि ये शब्द आया कहाँ से, अम्मी शब्द हमारे घर में घुस कैसे गया? लफ्ज, टोपी की आंखें, टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज क्या होता है माँ? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है दादी गर्जी? ये हम इफ्फन से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ये हम ना जानते। ते कौन मियाँ का लड़का से दोस्ती कर ले आए हो बाए मत बाए कारे? राम दुलारी की आत्मा गनगन आ गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गवारों की ये जबान ना बोला करो। सुभद्रा देवी दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वे अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर का परमिट ले आए, यानी अपने बेटे के दोस्त के फादर से फायदा उठा लिया उन्होंने। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। तय फिर जाए बे ओकरा करे? हाँ, अरे तोहरा हाँ में लुकारा आगे माटी मिलाऊं दुहारी। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ्फन के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। दो बड़े भाइयों का नाम है मुन्नी बाबू और भैरव, उसका तमाशा देखते रहे। हम एक दिन एक को रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खाते देखा रहा, मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। मुन्नी बाबू, बड़े भाई ने झूठ बोल दिया कि मैंने इसे, क्योंकि इसने मुसलमान से दोस्ती की हुई है, मैंने इसे कबाब खाते हुए देखा है। कबाब? राम राम राम। राम दुलारी बीना से दो कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत दी थी। टोपी को यह मालूम था कि था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ्फन के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तू हमें कबाब खाते देखे रही हो? ना देखा रहा ओ दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ये झुट्टा है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो ये थी कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते मैं मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। मैं मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। दूसरे दिन मैं जब स्कूल में इफ्फन से मिला तो उसने सारी बात उसे सारी बातें बता दी। दोनों ज्योग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। ज्योग्राफी की क्लास उन्होंने मिस की। क्यों मिस की? दुख सुख बांटने के लिए आपस में। ओके, पंचम की दुकान से इफ्फन ने केले खरीदे। बात यह थी कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। अरे टोपी तो इतना अच्छा लड़का था कि उसने इफ्फन के घर का कभी कुछ नहीं खाया, केवल फल खाए। ठीक है, ऐसा ना हो सकता का कि हम लोग दादी बदल लें? टोपी ने कहा, वेरी इनोसेंट क्वेश्चन। इफ्फन को कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम दादी बदल लें? टोपी ने कहा, तोहर दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी ते बोलियो तू ही लोगन को बोलत थी। ये नहीं हो सकता, इफ्फन ने कहा। अबू ये बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 वर्ष की कहानी आती है? तू हमें एक ठो दादी ना दे सके? कितना इनोसेंट क्वेश्चन है।
वो कहता है एक दादी मांगी है तेरे से, तू दादी नहीं दे सकता मुझे, तू मेरे साथ दादी नहीं बदल सकता। तो इफ़न ने समझाया, टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी, जो मेरी दादी है मैं मेरे अबू की अम्मा भी है। इफ़न ने कहा, ये बात टोपी की समझ में आ गई, तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी। हाँ तो फिक्र ना करो, इफ़न ने कहा, मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरे हो, टोपी कह रहा है, कहता मेरी दादी ने नहीं मरना। मरेगी कैसे नहीं, क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। ठीक इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इफ़न के घर गया तो वहां सन्नाटा था, घर भरा हुआ था, रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी को हजार कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता, अंडरलाइन दिस लाइन, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस वो आने हैं जो क्रिएटिव हो। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता, प्यार में खाना पीना है ना, ये चीजें बोली भाषा ये चीजें मैटर नहीं करती। टोपी और दादी में एक ऐसा ऐसा संबंध हो चुका था, इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले ना समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था, दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी, दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे, दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 साल की थी और दूसरा 8 साल का। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक बया होता, टोपी ने इफ़न को पुरसा दिया। पुरसा मीन सांत्वना दी कि तेरी दादी की जगह अगर मेरी दादी मर गई होती तो अच्छा होता। इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 1945 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। यानी ये स्टोरी कब की है, 10 अक्टूबर सन 1945 की बात कर रहे हैं, 45 बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, 10 अक्टूबर सन 1945 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि उसी तारीख को इफ़न के पिता बदली कर मुरादाबाद चले गए। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिन बाद ये तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के तीन लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था वह कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बिलू गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई, उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके पास आ गई। हाउस दैट, हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल ये समझ सका कि जब हाउस दैट का चोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू, डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर, यह सवाल गुड्डू ने किया। भृगू नारायण, ए बीलू ने अंपायर को आवाज दी, ई भृगू नारायण कौन है, एनी ऑफ आर चपरासीज? नहीं साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर दागदर हैं। यू मीन डॉक्टर, डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेडमास्टर को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक्स सो क्लमजी, बीलू बोला। ए टोपी अकड़ गया, तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ से नीचे लगे हो। ओ यू, बीलू ने हाथ चला दिया, टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेडमास्टर हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशन को शुष्कार दिया। पेट में 7 सुइयां बुकी तो टोपी के होश ठिकाने आए। यानी उन्होंने अपना कुत्ता छोड़ दिया, अल्सेशन कुत्ता उस पर छोड़ दिया
पेट में इंजेक्शन लगे, तब इंजेक्शन पेट में लगा करते थे कुत्ते के काटने पे। फिर उसने कलेक्टर साहब के बगले का रुख नहीं किया, परंतु प्रश्न ये खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या। घर में ले दे के बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। अंडरलाइन दिस लाइन ऑल्सो, सीता के पास जाकर उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। कैसे कह सकते हैं आप? सीता को घर के सभी बड़े बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को की भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। टेक मत किया करो बाबू, एक रात जब मुनि बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। बेटा दक्षिता यहां से रीडिंग शुरू करिएगा बेटा जरा। यस मैम। टेक मत क्या करो बाबू, एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात ये हुई कि जाड़ों के दिन भैरव के लिए भी नया कोट बना, टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला, कोट बिल्कुल नया था। मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए था। तो उतरन टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया, वे खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ले नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। हम जाड़ा ओड़ा नहीं ना खाएंगे, भात खाएंगे। रुकिए, यहाँ पे क्या हुआ बेटे कि कोट बनवाए गए है ना, तो बड़े भाई का कोट छोटे भाई को दे दिया गया कि तू ले ले। तो उसने कहा है तो चाहे बेशक बनवाया, मतलब उसे थोड़ा टाइट था, बनवाया बेशक उनका था, बना तो उनके लिए था ना। टोपी कहता है थोड़ा अभी स्वाभिमान आ गया टोपी में कि मैं उतरन नहीं पहनूंगा, किसी की बनी हुई चीज मैं नहीं लूंगा। उसने उसी समय नौकरानी के बेटे को दे दिया, नौकरानी को बेटे को दे दिया, अब दी हुई चीज वापस थोड़ा ली जा सकती है, उससे वापस तो मांग नहीं सकते थे। घर में सबने कहा कि अब तुम ठंडी खाओगे, जाड़ा खाओगे। तो उसने कहा मैं जाड़ा वाड़ा नहीं खाऊंगा, जाड़ा वाड़ा ना खाएंगे, बात खाएंगे। टोपी ने कहा तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात, पहनना जात है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। ताहम का इनकी पूजा करें, फिर क्या था, दादी ने आसमान से फिर उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। तू दसवां में पहुंच गई बाहर, सीता ने कहा, तुम्हें दादी से टर्राव ना चाही किनो, ओ तोहर दादी बड़े। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह दसवें में पहुंच गया, परंतु ये बात इतनी आसान नहीं थी। दसवें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े थे, 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। ठीक है, सन 52 में। ओके, सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया था, वह बहुत रोया। बात यह थी कि वह गाउदी था, गाउदी मींस गिल्ली मिट्टी का पिंड, यानी बहुत भोला बाला, बोंदू बुद्धू। ठीक है, वह काफी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता तो राम दुलारी को कोई चीज मंगवानी पड़ती तो नौकरों से मंगवाई जा सकती, परंतु सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज बनाना है। यानी वो जब पढ़ने बैठता ना, कोई बड़ा, क्योंकि 2 बड़े भाई थे, वो कोई ना कोई मैस काम दे देते,
या माँ बुला के कोई काम देती या दादी बुला के कोई काम दे देती, यानी उसे उठ के जाना पड़ता। और फिर अगर आके देखता तो छोटे भाई ने कहीं उसकी कॉपियों की हवाई जहाज बना ली। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, फिर एक साल उसे टाइफाइड हो गया, तीसरे साल पर थर्ड डिवीजन में पास हुआ। ये थर्ड डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया, परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल आठवें में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं था। उसके दोस्त दसवें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता, उन्हीं के साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना रह गई थी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। इस पर सितम ये हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। क्या मतलब है, साम अवतार या मोहम्मद अली बलब्रत की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? ये सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल आठवें में थे। मैं किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी नवे दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गिल्ली मिट्टी का लोदा हो गया, क्योंकि अब तो दसवें में भी कोई उसका दोस्त नहीं था। आठवें वाले दसवें में थे, सातवें वाले उसके साथ, उसके बीच में एक अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर की ही तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताबें पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जवानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमने पार साल पूछ लेना, तुमसे पार साल पूछ लूंगा, यानी अगले साल आने वाले में पूछ लूंगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ आई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार नवे में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। यानी यहाँ पे बताया गया है कि कैसे फेल होने पर उसकी आत्मा अंदर से मर गई। चलिए बाकी कल डिस्कस करेंगे।